भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा ने अनूठा प्रयोग करते हुए जिले के सभी थानों, वृत्त कार्यालय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय को सॉफ्टवेयर के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ा है, जिसमें पुलिस अधीक्षक अपने ऑफिस में बैठे बैठे कभी भी जिले के 34 थानाधिकारियों, 10 वृत्ताधिकारियों और 3 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों की बैठक ले सकती हैं। इसके माध्यम से फरियादी अपनी बात सीधे पुलिस अधीक्षक तक भी थाने से पहुंचा सकता है। पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा ने कहा कि कई बार जिलों के सभी थानाधिकारियों, वृत्ताधिकारियों और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के बैठक में पहुंचने में समस्या आ जाती थी और वह नहीं पहुंच पाते थे। इसके चलते हमने सॉफ्टवेयर वेस्ट यूटीपी प्लस सॉफ्टवेयर बनाया है, जिसके माध्यम से हम किसी भी समय जिले के थानाधिकारियों, वृत्ताधिकारियों और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों की एक साथ बैठक ले सकते हैं। इसके माध्यम से थाने में जाकर फरियादी भी अपनी बात सीधे हम तक पहुंचा सकता है, जिससे थाना अधिकारियों को अपने कार्यालय से शहर आने की समस्या भी खत्म हो जाएगी। भीलवाड़ा जिला पुलिस ने सॉफ्टवेयर बेस्ड वेब कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए एक वेब रूम तैयार करने का काम किया है, जिसमें जिले के सभी 34 थाने, सभी सर्कल ऑफिसर्स, 11 सर्कल ऑफिसर्स और तीनों सेक्टर ऑफिसर्स और SP ऑफिस सभी एक साथ इस वेब रूम के ज़रिए कनेक्ट हो पाएंगे और आपस में, जैसा कि अभी आप सब लोगों ने देखा, कि एक मीटिंग का आयोजन किया जा सकेगा। थाने का जो निचले स्तर का स्टाफ है, उनसे कई बार वार्ता नहीं हो पाती है और इतनी जगह पे जाके मीटिंग्स नहीं हो पाती हैं, तो इसलिए इस वेब रूम को बनाने का उद्देश्य जो है वो यही है कि थाने में इंडिविजुअली अगर पूरे थाना स्टाफ की मीटिंग एक साथ करनी हो वो की जा सके, थाने पे आने वाले परिवादियों की अगर सुनवाई करनी हो तो वो भी की जा सके, और कभी उच्चाधिकारियों के जो त्वरित कार्रवाई के लिए निर्देश आते हैं तो उन निर्देशों के संबंध में भी तुरंत एक मीटिंग आयोजित करके वेब रूम के माध्यम से, और PHQ और अन्य जो भी निर्देश प्राप्त होते हैं उनकी कंप्लायंस करने के लिए उनको निर्देशित किया जा सके। पूरे ज़िले की पुलिस एक साथ वेब रूम में कनेक्ट होकर के मीटिंग करना, और इस मामले में तो ये भीलवाड़ा ज़िले ने अच्छा अभिनव एक प्रयास किया है, मैं यही कहूँगी आपसे।